राधे राधे जय कृष्ण। बच्चों आज अपन एक वेक्टर कैलकुलस की ट्रिक लेके आ रहे हैं कि ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल की। बहुत ही सिंपल ट्रिक है जिसको सोल्व करने में अपन लंबा मेथड लेते हैं, वो शॉर्टकट तरीका है। तो देखिए पहले ग्रेडियंट की ट्रिक क्या है। अगर स्थिति सदिश आर, ये आपका आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, तब परिमाण बच्चों आर कैप ये होता है। तो ग्रेडियंट अगर एफ आर है, मतलब इन फंक्शन ऑफ आर, तो देखो बच्चों ये होता अदिश राशि, क्योंकि ग्रेडियंट हमेशा अदिश राशि लेकिन मिलता वेक्टर है। ग्रेडियंट हमेशा अदिश का निकलता है लेकिन मिलता क्या वेक्टर है। तो अपन को क्या है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है और आर कैप लगाना है वेक्टर के लिए। और आर कैप को लिख सकते हैं आर वेक्टर अपन आर। अब जैसे यूज लेते हैं अपन यहाँ पे, पहले यहाँ पे कंपेयर करो। तो यहाँ पे एफ आर क्या हुआ, एक बटा आर। पहले एफ आर की कंपेयर करना पड़ेगा, एफ आर की जगह फंक्शन ऑफ आर आना चाहिए। तो एक बटा आर, तो इसका क्या होगा, ग्रेडियंट ग्रेडियंट एक आर बराबर इसी का डिफरेंशिएशन। तो आर की पावर माइनस वन, आर की पावर माइनस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर, माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर। तो और फिर आपको लिखना आर कैप इनटू किससे, आर वेक्टर अपॉन आर। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। कुछ नहीं किया, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है और आर कैप से मल्टीप्लाई करना है। ये आंसर ऐसे लॉग आर। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करो। तो यहां पे पहले फंक्शन देखो एफ आर क्या है, एफ आर छांटो, एफ आर है लॉग आर, लॉग आर। तो ग्रेडियंट लॉग आर, पहले इसका डिफरेंशिएशन आर और फिर आर कैप याद। एक सवाल और लेते हैं, देखो इसका डिफरेंशिएशन। तो यहां पे एफ आर क्या चीज है, आर है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एम आर, एम माइनस वन और आर वेक्टर। तो इसको क्या ले सकते हैं, एम आर, एम माइनस वन आर वेक्टर अपॉन आर। तो ये आर क्या पाता है, अपन ने थोड़ा सा पहले वाले में देखते हैं क्या कर दिया, एक में आर वेक्टर अपॉन आर और इसमें भी आर सी, क्योंकि आर क्या पाता है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका एम आर, एम माइनस टू आर, ये आंसर। बस कुछ नहीं है डिफरेंशियल, यहाँ लॉग आर का। तो पहले यहाँ पे एफ आर क्या चाहिए, एफ आर छाटो आर, और इसका डिफरेंशिएशन वन आर, वन माइनस जीरो आर क्या। तो ये हो जाएगा आपका आर वेक्टर अपॉन आर, वन आएगा, वन का आ जाएगा, ये आंसर आएगा। ऐसे यहां पर एफ आर क्या चीज है, ई आर स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन क्या हुआ, ई आर स्क्वायर इंटू टू आर आर कैप या टू आर ई आर स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन आर। इस आर से आर काट दो तो आ जाएगा टू ई आर स्क्वायर, ये आपका ग्रेडियंट की ट्रिक लिखी है ना, ग्रेडियंट। अब थोड़ा डाइवर्जेंस की बात करते हैं। तो डाइवर्जेंस की ट्रिक है कि वही है स्थिति आर एक्स आई का परिमाण ही होता है, तो डाइवर्जेंस ये हमेशा वेक्टर का निकलता है। ग्रेडियंट हमेशा अदिश राशि का निकलता है लेकिन रिजल्ट अपन को वेक्टर मिलता है, इसमें उल्टा है। डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर का होता और निकलता स्केलर। तो थ्री एफ आर प्लस एफ डैश आर, मतलब इसको डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे पहले कंपेयर करो, एफ आर की जगह क्या रहा है, एक बटा। तो एफ आर बराबर एक बटा आर, पहले तुलना करनी है, ये आर वेक्टर तो ये आर। तो इसका पहले, तो इसका जो होगा डाइवर्जेंस
आर वेक्टर अपॉन आर बराबर आएगा तीन और अपॉन आर प्लस इसका डिफरेंशिएशन तो माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर और इनटू आर, तो ये आर से आर कट जाएगा, तो तीन बटा आर माइनस एक बटा आर बराबर टू बाई आर, सिंपल। और यहाँ पे भी देखो एफ आर क्या आ गया, एक अपॉन आर क्यू, पहले तुलना करा करो क्योंकि एफ आर की जगह एक अपॉन आर क्यू आ रहा है, तो वही डाइवर्जेंस अपॉन, तो तीन थ्री अपॉन आर क्यू और प्लस इसका डिफरेंशिएशन आर की पावर माइनस थ्री आर फोर और इनटू आर, तो कितना गया आर की पावर माइनस तीन है तो ये हो गया माइनस तीन आर फोर इंटू आर, ये कट जाएगा जीरो आ जाएगा ये। और यहां पे भी एफ आर क्या चीज है, एफ आर है आर की पावर एन, तो पहले तो तीन एफ आर ये आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ लिख देता था डाइवर्जेंस को क्या लिखा तीन, देखो ये थ्री एफ आर तो तीन आर एन प्लस इसी एफ आर का डिफरेंशिएशन एन आर एन माइनस वन और आर, तो ये हो जाएगा थ्री आर एन प्लस एन आर एन, क्योंकि वन आएगा तो ये हो जाएगा आपका आर एन कॉमन ले लें तो एन प्लस थ्री आर। अच्छा अब कई बार पूछ लेते हैं एन के किस मान के लिए पन्नेलिका है, तो एन का मान माइनस थ्री रखो तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि तो पन्नेलिका के केस में ये डाइवर्जेंस आपका जीरो होता है। तो बच्चों ये एक लाइन में आ रहा है आंसर, देखो तीन मैंने सवाल किए तीनों, अब कर्ल की देख लेते हैं बच्चों एक लाइन में, बस ये ध्यान कंपेयर करना एफ आर को, कंपेयर करना थ्री इंटू एफ आर और उसी एफ आर का डिफरेंशिएशन टू आर, लेकिन ये स्केलर आएगा तब, जबकि ग्रेडियंट के अंदर वेक्टर आता। अभी कर्ल का और देखते हैं, कर्ल में है कर्ल एफ आर आर जीरो, मतलब ये फंक्शन आर के टर्म में होना चाहिए जीरो, तो जैसे यहाँ पे लिखा है एफ आर क्या है एक अपन आर को, लेकिन इसका क्या आएगा, इसका मान ये आर है तो ये एक अपन एफ आर आपका आर के टर्म में है, तो इसका मान कितना आएगा जीरो आएगा। ऐसे यहां पर एफ आर क्या चीज है आपका आर एन, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखा हुआ है एफ आर, तो कर्ल आपका इंटर बॉल, और यहां पे भी एफ आर क्या चीज है तीसरा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कर्ल आर वेक्टर अपॉन आर ये, तो यहां पे आपका एफ आर क्या चीज है वन अपॉन आर एक अपॉन आर, तो इसका कर्ल क्या आएगा तो तीनों को उत्तर ही जीरो लिखा है, तो ये शॉर्ट ठीक है तीनों, बहुत ही जल्दी हो जाता है सवाल, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे यूज करना है, तो विद इन आपका सेकंडों में सवाल हो जाएगा, इन शॉर्ट ट्रिक को आप अपनाओ तो बहुत जल्दी काम आएगा। बस आज के लिए मैंने तुमको पांच सवाल उसमें से लिए हैं और तीन चार उसमें से लिए और तीन इसमें, कम से कम 12-13 एग्जांपल ले लिए और विद इन आपका 10 से 20 सेकंड में हो जाता है, बस आप उसको ध्यान रखो अप्लाई करो बस बच्चों, और
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैं आने वाले टाइम में और भी कोशिश करूँगा, पूरी पूरी और कोई शॉर्ट ट्रिक डालूँगा जिससे आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा हो। थैंक यू।